हजरतगंज के आते हैं, अमीनाबाद के आते हैं, चाय पीने आते हैं। अरे ये औरत सही नहीं है। आज के इस दौर में औरतें अपना मुकाम खुद बना रही हैं, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी। इसी तरह वो अपने लिए और दूसरी औरतों के लिए रोल मॉडल बनती नजर आ रही हैं। लेकिन जब एक औरत अपनी आज़ादी का मुहिम छेड़ती है तो लोग उसे गलत नज़र से देखते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई। आदमी गलत साबित करता, मगर ऐसा है नहीं। और अगर करेंगी तो अपने लिए करेंगी भाई, हमारे लिए नहीं करेंगी। और हमें तो ये उम्मीद है, अगर कोई अच्छी बुरी कोई बात पड़ गई तो हम इनसे हम उम्मीद रख सकते हैं, हाँ ये बात फाइनल हो जाएगी हमारी। अगर हमारे घर में झगड़ा हो गया तो ये फाइनल कर सकती हैं, अगर खुद से नहीं हो पाएगा ये दूसरों से भी करा सकती हैं। इतनी हिम्मत है। मुबीना कैंपर रोड के हसियामऊ इलाके में रहती हैं। इस इलाके में मुबीना मायावती के नाम से मशहूर हैं। ये हैं मुबीना खान। मुबीना ने अपने दम पर एक चाय का होटल किया। कुछ अपनी लड़कियों के लिए भी करते हैं, कुछ अपने घर के लिए करते हैं। पैसा एक इसलिए है कि जैसे कि हमारी लड़कियां पहले पढ़ाई के लिए पैसा मजबूरी में नहीं था, तो हमने इसीलिए जैसे होटल किया था कि लड़कियां हमें अच्छी तरह से पढ़ सकें। आधा प्लाट बेचने के बाद उन दोनों लड़कियों की एक साथ शादी करी। अब दोनों लड़कियाँ हमारी हैं, उनको हमने कपड़े की दुकान करा दी। वो कपड़े की दुकान पर बैठती हैं, दोनों सुबह चली जाती हैं, 11-12 बजे जाती हैं, रात में 9 बजे आती हैं। अब छोटी लड़की है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, और उसकी शादी करने के लिए थोड़ा पैसा जमा भी कर रहे हैं और थोड़ा उनका ये है कि पढ़ाई भी कर रही है। अभी हाई स्कूल कर लिया है, लेकिन अब वो करी कंप्यूटर सीखना। मुबीना अपनी दो बेटियों और शौहर के साथ रहती हैं। वो आने वाला जो समय होगा उसके लिए तो बेहतर ही है। उन्होंने मिल के काम किया है और एक दूसरे का काम, एक दूसरे का सहयोगी साथ चला है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों मिल के मेहनत कर रहे हैं। शादी तो हम लोगों की हुई है अपनी मनपसंद, एक दूसरे के साथ में मिल के हुई है। घर वाले राजी नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने मिल के जबरदस्ती की और घर वालों से ही करवाई। ये नहीं कि कोर्ट मैरिज करी जाके भाग गई या उधर उधर। शादी हो गई, जब शादी हो गई तो ससुराल में रहने लगे। फिर अंदों ने भी थोड़ा बहुत उधम मचाना शुरू कर दिया, मारपीट का, कहीं घर से निकलने का। बाहर हम तमाम जगहने किराए पे रह चुके। जब तमाम जगहने किराए पे रह के फिर हम अपने घर में ही मायके में रह रहे थे। उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ प्लाटिंग कहीं हो रही है, उस हिसाब से हम यहाँ आ गए। प्लाट ख़रीदा अपने आप से, हम खुद अकेले ही आए प्लाट देखने। फिर हमने यहाँ प्लाट लिया, फिर अपना रहने के लिए भी खुद आते थे रोज डेली सुबह बनवाने के लिए। खाना ना पकाना हुआ या कुछ भी करना हुआ, सब अपने हाथ से खुद ही करते रहते। शाम को खाना वाना बनाना सब मेरे ही घर।